हेलो फ्रेंड्स, लव लाइफ गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ 12 प्लस विंटर के कलरफुल फ्लावर्स, जिनकी रेंज हमें 20 में मिल जाएगी अभी नर्सरी पर। कहीं कहीं तो आपको 15 की रेंज में भी ये मिल जाएंगे, मतलब 15 से 20 रुपए में आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं और बहुत अच्छे ये आपको गार्डन में कलरिंग और फ्लावरिंग देंगे। अभी इनका बहुत अच्छा सीज़न है फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे कहा था अभी सीडलिंग मत करिएगा। सीड्स भी हमें अब नहीं लगाने हैं क्योंकि उनका सीज़न जा चुका है, टाइम उनका नहीं है, और ना ही हमें अभी सैपलिंग्स लानी है, मतलब प्लांट्स के जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं वो भी नहीं लाने हैं। अभी नर्सरी से आप बने बनाए प्लांट्स लाइए और अपने गार्डन को कलरफुल बनाइए। तो कौन कौन से वो प्लांट हैं फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और आप भी सोच रहे हैं अपने गार्डन को कलरफुल बनाने को और अभी तक आपने नहीं शुरुआत की है गार्डन की, तो आप इन प्लांट से कर सकते हैं। ये विंटर के वो प्लांट हैं जो बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस में आपको कलर देंगे और आपके गार्डन को ग्रीनरी तो सब प्लांट देते ही हैं, मगर ये इतने सुंदर खूबसूरत फ्लावर वाले प्लांट हैं जो कि हमें विंटर में बहुत अच्छे अपने गार्डन में एनर्जेटिक रखते हैं। इनको देख के हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं और काम अपने सारे गम भूल कर हम अपने गार्डन में आते हैं और खुश हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ये भागदौड़ की लाइफ से थोड़ा सा हटकर अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। और अगर आप सोच रहे हैं गार्डन की शुरुआत करने को, तो विंटर के गार्डन के ये 12 प्लस प्लांट जो मैं बताऊंगी आप वो ला सकते हो, जिनकी आपको अगर आपके पास समय नहीं है गार्डन में टाइम देने का, तो आप इनको बिल्कुल लो मेंटेनेंस में लगा सकते हो और ये आपको फिर भी भर भर के फ्लावरिंग देंगे। तो कौन से हैं वो प्लांट, मैं वो दिखा रही हूँ आपको फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला है आपका ये नेस्ट्रीशियम। देखिए, नेस्ट्रीशियम बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसके फ्लावर और लीफ दोनों खाए भी जाते हैं, सैलेड में यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। थाई में ज़्यादा इनका यूज़ होता है, हमारे इंडिया में कम जानते हैं लोग, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप खाने की बात छोड़ दीजिए तो आप देख ही रहे हो कितने खूबसूरत हैं। इनको हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत प्लांट है नेस्ट्रीशियम, तो ज़रूर लाइए फ्रेंड्स। इसके बाद ये देखिए गजानिया। गजानिया भी बहुत खूबसूरत विंटर का प्लांट है और इसको आप लगा सकते हो और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं, ये इनके बहुत प्यारे लगते हैं, तो गजानिया को भी जरूर शामिल करिए अपने गार्डन में। और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको साल्विया। साल्विया में बहुत कलर आते हैं फ्रेंड्स और काफ़ी खूबसूरत होते हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया है, इसके कई कलर हैं मेरे पास, तो साल्विया को भी ज़रूर लगाइए। और इसके बाद है इनपेशन। इनपेशन भी बहुत प्यारा प्लांट है फ्रेंड्स, विंटर का कलरिंग तो आप देख ही रहे हो कितनी खूबसूरत इनकी फ्लावरिंग होती है। अभी थोड़ा सा मैंने पिंचिंग की है तो फ्लावरिंग कम है, वरना ये बास्केट पूरी भरी रहती है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स रहते हैं इसमें फ्रेंड्स, तो बहुत खूबसूरत है इनपेशेंट, इसमें भी बहुत कलर आते हैं। इसके बाद ये पैंसी फ्रेंड्स, पैंसी भी बहुत सुंदर प्लांट है, देखिए बटरफ्लाई जैसा लगता है। बटरफ्लाई की कमी अगर हमारे गार्डन में है तो अगर चार पाँच ही, ज़्यादा नहीं तो चार पाँच ही प्लांट अगर हम अपने गार्डन में इसके लगाते हैं तो बटरफ्लाई जैसा फीलिंग ये हमें देते हैं और बहुत खूबसूरत तो है ही। इसमें भी बहुत सारे कलर आपको नर्सरीज पर मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कैलेंडुला। कैलेंडुला की मैंने सीडलिंग भी की है तो सैपलिंग सभी तैयार हैं और ये मेरा प्लांट है जो मैं नर्सरी से लाई हूँ, तो इसको मैंने एक मैंने ख़रीदा है, बाकी तो सैपलिंग्स आपने देखी हैं अभी तैयार हो गई हैं, उनमें भी बडिंग हो गई है तो जल्दी ही फ्लावर आएगा। तो कैलेंडुला को भी आप ज़रूर लगाइए, इतना बढ़िया ये प्लांट है, इसको फुल सनलाइट में आप अभी रख दीजिए, इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग आप देख रहे हो, कितना बड आया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, तो कैलेंडुला भी ज़रूर लगाइए। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और डरते हैं प्लांट लगाते हुए तो आप इन प्लांट्स को लाकर शुरुआत कर सकते हैं अपनी छोटे से गार्डन की। और ये है पिटूनिया। पिटूनिया के भी मेरे पास बहुत सारे कलर है ये देखिए, और बहुत खूबसूरत भी है, पिटूनिया को भी ज़रूर लाइए। ये तो अभी मैंने बताया गजानिया के मेरे ये प्लांट लगे हैं तो बहुत खूबसूरत हैं ये। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ डायंथस। डायंथस में भी मेरे पास बहुत कलर है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा प्लांट है डायंथस का, तो इनको भी ज़रूर शामिल करिए आप अपने विंटर गार्डन में। ये है शिलोशिया। शिलोशिया को भी आप लगा सकते हो, बहुत ही लो मेंटेनेंस में आपका ये प्लांट आपको कलरिंग देगा, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास पिंक है मगर बहुत सारे कलर आते हैं। ऐसे ही आप स्टॉक लगा सकते हो, स्टॉक में मैंने आपको पिंचिंग दिखाई है इसलिए फ्लावर अभी नहीं है, बुशी हो रहा है अभी प्लांट और फिर अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी, तो आप लगा सकते हो इसमें स्टॉक भी, बहुत प्यारा प्लांट है। इसके बाद ये है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर का फेस ये देखिए डॉग की तरह ओपन होता है इसलिए इसका नाम डॉग फ्लावर है और बहुत खूबसूरत तो ये है ही।
तो ज़रूर लगाइए डॉग फ्लावर। इसके बाद आपको मैं दिखा रही हूँ गुलदाउदी। गुलदाउदी में भी मेरे पास बहुत सारे कलर हैं और मार्केट में अभी इतने भी नहीं है मेरे पास, मार्केट में तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद हो तो ज़रूर क्राइसेंथमम को भी आप शामिल कर सकते हैं, गुलदाउदी इसको कहते हैं हिंदी में। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कोलियस। ये कोई फ्लावर प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लीफ ही फ्लावर से कम नहीं है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। इसको लोग ज़रूर लगाते हैं और बहुत प्यारा ये कलरिंग देता है हमारे गार्डन में, तो बिगनर्स भी इनको लगा सकते हैं, इसके साथ कोई केयर खास नहीं है। तो इसके बाद आप देखिए ये है प्रिमिला प्राइम रोज। फ्रेंड्स ये लेट विंटर फ्लावरिंग करता है, तो अभी आपको नर्सरी पे ये मिल जाएगा और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्लांट है। और इसके बाद ये कलांचो, सिर्फ कलांचो फ्रेंड्स इनमें से ऐसा मैंने आपको प्लांट दिखाया जो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन मैंने तो मदर प्लांट से ही ये प्रोपोगेट किया, तो मेरा तो महंगा नहीं मैंने बनाया है। आप अगर इसको लाओगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, बाकी सभी प्लांट आपको जितने मैंने दिखाए हैं ये सब 20 की रेंज में ही हैं। 20 की रेंज में आपको इतने खूबसूरत प्लांट मिलेंगे और इनकी फ्लावरिंग तो बस देखते ही बनेगी। अभी अब स्टार्टिंग हो गई है, फुली सनलाइट के कुछ प्लांट हैं इनमें से, बाकी आप वीडियो में मेरे देख सकते हो कि किनको क्या नीड रहेगी। और बाकी काफ़ी खूबसूरत हैं, आप देख ही सकते हो कितना एक एक की सुंदरता अपनी जगह है, सबको अपना अपना मतलब ब्यूटी है सबकी, और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। तो जितने भी प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं फ्रेंड्स ये सब आप लगा सकते हो। अगर आप डरते हो कि हमने अभी गार्डनिंग नहीं जानते कुछ भी, तो बस आप इनको लाइए और लगा दीजिए, फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग आपको ये देंगे भर भर कर। और बिल्कुल आप इनके लिए घबराइए नहीं कि आपके ये प्लांट चले जाएंगे, कुछ भी नहीं ऐसा है। थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी केयर है वो आप वीडियो में देख सकते हो, मेरे वीडियो में मैं डालती रहती हूँ केयर टिप्स, तो आप उनको फॉलो करके बहुत ही इजीली इनको लगा सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत तो ये है ही, चाहे आप इनको हैंगिंग बास्केट में, कुछ प्लांट इसमें से हैंगिंग बास्केट के भी हैं, कुछ स्पॉट के हैं, तो वो सिलेक्ट करके आप ला सकते हो और बहुत प्यारा गार्डन अपना विंटर में सजा सकते हैं आप। तो ज़रूर लाइए फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारे प्लांट हैं और इनको ज़रूर शामिल करिए विंटर में। और ये मत सोचिए कि हम नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आज के जो मैंने 12 से ज़्यादा आपको प्लांट दिखाए, 12+, ये बिगनर्स के लिए ही मैंने दिखाए हैं कि अगर आप गार्डनिंग में नए हो तो भी आप इनको बिल्कुल लगा सकते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और बाकी लवली गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।